पर अब जब मेरी और आर्यमन की शादी हो रही है तो इन दोनों को तो तलाक लेना होगा ना, वरना हमारी शादी लीगल कैसे होगी। लेकिन लॉयर को किससे पूछ के बुलाया तुमने? आपने ही तो कल कहा था ना डिवोर्स के लिए, तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर दूं। मैं जानती हूँ आपके लिए ये कितना मुश्किल है और शायद आपकी हिम्मत भी ना हो, इसलिए मैंने ही लॉयर को बुला लिया। और जब तक आपको और आर्यमन का तलाक नहीं हो जाता, मेरी और आर्यमन की शादी लीगल नहीं होगी, राइट? और मुझे ऑलरेडी एक अमीर आदमी को फंसाने वाली एक बिन ब्याही माँ ऐसे सब कहा जा रहा है। अब मुझे बीवी नंबर टू जैसे नाम पड़े या हमारे रिश्ते को नाजायज कहे, ये मैं नहीं सुन सकती। चाहे कुछ भी हो जाए,